हेलो दोस्तों, वेलकम इन एके सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने देखा ऑपरेटर के बारे में। वहां पे हमने जो ऑपरेटर पढ़े थे, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, ये हमने पढ़े थे। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये देखिएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारा आज का टॉपिक होगा। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के दो पार्ट होंगे। सबसे पहला प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। मैं आपको ये दोनों के ही बहुत दो पार्ट होते हैं, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। सॉरी, प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा गाइस, सबसे पहले ऑपरेटर आएगा। ऑपरेटर मीन्स मैं इंक्रीमेंट में ले रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे प्लस प्लस किया सबसे पहले, और उसके बाद क्या आएगा, ऑपरेंट आएगा। ऑपरेंट यहाँ पे मान लीजिएगा, यहाँ पे ए है और ए की वैल्यू हमारी 5 है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू असाइन होगी। देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है एफ सी टी यू, फर्स्ट चेंज देन यूज, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। उस नीचे वाले में क्या है कि फर्स्ट यूज देन चेंज। सो गाइस देखिएगा, यहाँ पे हमारा प्री इंक्रीमेंट, इसका मतलब पहले हमारा इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद वैल्यू यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पे वैल्यू पहले स्टार्टिंग में क्या होगी, वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी, 6 हो जाएगी, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं। देन उसके ऐसे ही हमारे पास डिक्रीमेंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे माइनस माइनस ए करें, तो पहले ही हमारी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, उसके बाद हम 4 को यूज करेंगे, ठीक है। ये इस केस में हो गया। उसके बाद हमारे पास आएगा गाइस पोस्ट इंक्रीमेंट अदरवाइज डिक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं देखिए गाइस, हमारे पास एक ऑपरेंट है कि ए की वैल्यू इक्वल टू 5 दिया, सेम ओल्ड ऑपरेंट, ओल्ड एग्जांपल। मैंने अभी क्या इसके अंदर पोस्ट कहा है ना, पोस्ट, तो पोस्ट का मतलब पहले हमारे पास क्या आएगा, ऑपरेंट आएगा। तो मैंने ए लिखा, उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर आएगा, ऑपरेटर मैंने यहाँ पे अभी इंक्रीमेंट किया। सो गाइस इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास ए की वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे मैं प्रिंट एफ में, प्रिंट एफ के अंदर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू यूज करना चाह रहा हूँ, तो पहले यहाँ पे ए की एक्चुअल वैल्यू जो थी वो पहले प्रिंट होगी। गाइस इसका फॉर्मेट आपको पता ही है कि यहाँ पे परसेंट टाइप डी लग के होगा, वो मैं लिख रहा हूँ कि पहले यहाँ पे किसकी ए की वैल्यू प्रिंटिंग होगी 5, और इसके बाद यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसका मतलब पहले हमने वैल्यू को यूज किया, और उसके बाद हमारी वैल्यू जो होगी असाइन हो गई है, मतलब इंक्रीमेंट हो गया है, सॉरी, वैल्यू के अंदर, ठीक है, ये 6 हो गया है। सेम ऐसे ही हमारा यहाँ पे डिक्रीमेंट के केस में होगा कि अगर मैं यहाँ पे कर दू ए माइनस माइनस, अभी इस इंस्ट्रक्शन को, हमारी ये इंस्ट्रक्शन है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। गाइस मैंने यहाँ पे ए माइनस माइनस किया, इट मीन पहले ए की वैल्यू, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट आउट करूं, प्रिंट एफ और प्रेजेंट टाइप डी से मैं इसको प्रिंटिंग कराऊं, तो पहले क्या होगा, पहले हमारी वैल्यू होगी 5, हमारी प्रिंटिंग आ जाएगी यहाँ पे 5, और उसके बाद ए की वैल्यू उसके बाद ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4, ठीक है गाइस। यहाँ पे ये होगा इसका। तो इसके अंदर जो हमारा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट में हम फर्स्ट चेंज करते हैं, देन हम यूज करते हैं, और पोस्ट इंक्रीमेंट में हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में पहले हम फर्स्ट यूज करेंगे, देन उसके बाद हम चेंज करेंगे। अब गाइस इसका यहाँ पे देखिएगा, इसकी जो प्रायोरिटी है वो क्या होगी, गाइस की जो इसका जो ऑर्डर होगा, सबसे पहले ऑर्डर बता दूं मैं, प्रायोरिटी इसकी कुछ नहीं होती, जो पहले आ गया वो चल जाएगा, दोनों की सेम होती है यहाँ पे, इसके हम सेम लिख देंगे प्रायोरिटी, ठीक है। अब उसके बाद इसका ऑर्डर, ऑर्डर देखेंगे हम, ये राइट टू लेफ्ट होता है गाइस, इसका मतलब ये जो हमारी एग्जीक्यूशन होगी वो इधर से होगी, इट मीन्स जैसे कि मैं बता दूं कि ए प्लस प्लस, ठीक है, तो पहले क्या हुआ, हमने यूज तो हम पहले कर ले रहे हैं, बट ये पहले उठेगा। अगर मैं यहाँ पे ये लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूं, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, उसके बाद यहाँ पे मैं ये लगा के अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस बी लिख दू, गाइस देखिएगा यहाँ पे मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिख दिया, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ से यहाँ तक है, तो इधर से पहला एग्जीक्यूट क्या होगा, पहले हमारा ये वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारा आगे वाला एग्जीक्यूट होगा, सेकंड नंबर पे ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है गाइस। इसकी जो होती है राइट टू लेफ्ट होती है, सेम है यहाँ पे होगी नेगेटिव की। सो गाइस ये इस लेक्चर में हमने डिक्रीमेंट देखा और इंक्रीमेंट देखा। सो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हो तो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आने वाली जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है और सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।